ये सरकार हमारे साथ धोखा पानी कर रहा है, पानी पी के रहना पड़ता है। नीतीश सरकार जरा सा भी सही नहीं है, अगर भूखा लोग मर रहा है। जो घर से आते हैं कमाने के लिए, काम नहीं मिलता। नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ विकास कुमार। पीछे कुछ लोग हैं और ये वो लोग हैं प्रवासी मजदूर जो बाहर से लौटे हुए हैं, अपना काम काज छोड़कर ये अपना प्रदेश लौटे हैं, बिहार लौटे हैं, और इनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। रोज ये घर से बाहर निकलते हैं और किसी चौराहे पर ये खड़े होते हैं और तलाश रहती है इनको मजदूरी की, और फिर भी रोज कई ऐसे लोग होते हैं जिनको की मजदूरी नहीं होती है, काम नहीं मिलता है, ये बेरंग अपना घर लौटते हैं। इनके पास खाने के लिए, इनका भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए इनके पास एक ही जुगाड़ है कि मजदूरी करते हैं, और मजदूरी करने के बाद जो इनको दिहाड़ी मिलती है उनसे इनका घर परिवार चलता है। बहरहाल ये सभी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये लोग बेरोजगारी का जो है, बेरोजगार हैं और काम की तलाश में चौक चौराहे पर खड़े रहते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पकड़ना नहीं है इसको। आप अभी यहाँ पर सुबह खड़े रहते हैं चौक पे? सुबह हम जब खड़े रहते हैं तो यहाँ पर मजदूरी भी मिलता है, कभी कदार तो हमको उतना पैसा नहीं मिलता है जितना होना चाहिए मजदूरी। ऊपर से वहाँ ले जाके बोलता है कि इतना में काम करना है तो करो, नहीं करना तो जा अपना घर। उसके बाद हम कैसे परिवार चलाते हैं, महीना में दो दिन काम करने के बाद हम लोग भूखे प्यासे रहते हैं, फिर भी हम लोग को काम नहीं मिलता है। बहुत हम लोग आवाज़ उठाते हैं फिर भी हम लोग को कुछ नहीं मिलता। घर में बच्चा बुतरू ऐसे पढ़ लिख नहीं पा रहा है, बहुत तरह का समस्या बना हुआ है मेरे। लॉकडाउन के वजह से कितना इफेक्ट प्रभाव पड़ा है जिंदगी में? इतना इफेक्ट पड़ गया कि दाना दाना के लिए मुताज हो रहे हैं, बढ़िया से बाल बच्चा को सुखी से खिला पिला नहीं रहे हैं। जहाँ होता है कि खाने का पाव भरी वहाँ 100 ग्राम में खा के पानी पी के रहना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है ऐसा। कितना प्रभाव पड़ा है इस लॉकडाउन से? बहुत पड़ा है भैया प्रभाव। अब इसको बारे में हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि कितना प्रभाव पड़ा है, गरीब कितना मर रहा है, इसके ऊपर देखने वाला कोई ये नहीं है। नीतीश सरकार सही है? नहीं है, नीतीश सरकार जरा सा भी सही नहीं है, अगर रहता तो गरीब गुरुआ ऐसे चौक पर भूखे नहीं मरता। सरकार तो दावा कर रही है कि गरीबों को भोजन, कहाँ भोजन दे रही है, आपके सामने देख रही है कि लाखों लाख हजारों हजार आपके सामने खड़ा है, घर घूर के जा रहा है, सरकार आंख मूंद के सोती हुई है। जिसको देता है वही खाता है, गरीब को कहाँ देता है। बात है भैया कि हम लोग यहाँ है, देखिए यहाँ खाना पर सबके को परेशानी है, काम आते हैं यहाँ पर काम ही नहीं मिलता है, यहाँ घर घूम के चल जाते हैं, रेट भी कम देता है। यहाँ के गांव में सरकारी योजना धरातल पर काम है भैया? कुछ नहीं है भैया। भैया हमको जो है ना इंदिरा सवा 100 रुपया में कमवाते हैं, वह हमें कहते करना है तो करो, नहीं तो जाओ घर जाओ। ऊपर से सरकार पैसा देती है तो ऊपर से आते आते नीचे वो खा, जो पीढ़ी है वो खा जाते हैं, घोटाला कर देते हैं। एक दो भूखा लोग मर रहा है। सुनिए भैया, बात है कि हम लोग को कुछ रोजगार नहीं मिला, नहीं इंद्रोवास मिला है, मिला ऐसा होता है जब नहीं कोई काम नहीं मानते हम लोग चौक पर नहीं पेड़ भरता है। बात किया था कि हम लोग 1000 देंगे, कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग का खाता पर बार बार बोल रहा था, सरकार बोल रहा था कि 1000 रुपया दिया जाएगा, मगर हम लोग का खाता में नहीं, क्यों नहीं दिया गया, इसका मतलब सरकार हमारे साथ धोखापनी कर रहा है। सरकार को क्या करेंगे हम? पोखर जो है, पोखर खाना के क्या करेगा सरकार, मछली पालेगा उसमें क्या करेगा, पेट नहीं पलाएगा सर। अच्छा, इस बार चुनाव होने, आप लोग को तो पता है नवंबर में चुनाव होगा, क्या लगता है इस बार किसके पक्ष में मतदान वोट करेंगे? अभी हम लोग गरीब अभी लालू यादव के पक्ष में देंगे, दे देंगे, चलेगा पता चुनाव आने के बाद, चलेगा पता अभी कुछ नहीं, अभी क्या चलेगा पता, अभी आप भी हमारे पास है, वो भी हमारे पास। हमको नीतीश कुमार से बहुत आपत्ति, इसलिए नहीं देख रही है तो हम लोग क्यों देखेंगे, हम लोग नहीं देखेंगे, मर रहा है सर। और हम लोग का जब इतना स्थिति खराब रहता है कि रोड पर कभी एक्सीडेंट हो जाता है, घर से आते हैं कमाने के लिए, काम नहीं मिलता, सब घूर के घर जाते हैं। हम लोग कहिए हम लोग चौक पर भी खड़ा चार्ज भी होता है, पुलिस के सामने लाठी चार्ज भी हम लोग पर हुआ है, सही बात है। सोचिए स्थिति है, यहाँ पे काम नहीं मिलता, कैसे काम करेंगे, नहीं तो कैसे काम खाएंगे।
काम करेंगे तब ना खाएंगे। जब लॉकडाउन पहले से हम लोग का मजदूरी जो है ना, मजदूरी में कभी भी ये बढ़ोतरी नहीं हुआ है, वही 350 रुपया सर 300 रुपया में कमाना पड़ रहा है। क्यों? सबका पैसा बड़ा बड़ा आदमी का पैसा बढ़ रहा है, ऊपर भी आफत है। मगर बड़ा बड़ा आदमी लोग, बड़ा बड़ा बिल्डर लोग को जाते है घर पर, मगर वो लोग बोलता है कि इतना में काम करना है, 10 तल्ला पर, नहीं तो भागो यहाँ से। चौक चौराहा पर खड़े होने पर पैना दिखाकर भगाते हैं कि भागे, ये क्या लगा है सर? प्रशासन मारता है, बोलिए इस स्थिति में हम लोग कहाँ करें। ये लोग हैं जो कि काम की तलाश में दूर दराज गांव से ये इनका शहर आना होता है और किसी चौक चौराहे पर ये खड़े होते हैं। उसके बाद चौराहे पर जो है पुलिस के द्वारा, भागलपुर पुलिस, यहाँ पर जो पुलिस है उनके द्वारा इनको, इनकी पिटाई की जाती है, इनको भगाया जाता है। दूसरी बात, ये जब बाहर से लौटे हुए हैं, गांव आए हुए हैं, तो गांव में काम की तलाश से इनका शहर जब ये आते हैं तो यहाँ पर भी इनको इसी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि पहले तो काम नहीं मिलता है, बिल्डर के द्वारा भी इनको थोड़ा प्रताड़ित किया जाता है, जो इन लोगों का कहना है। सरकार को चाहिए कि ये सब जितने भी बेरोजगार हैं इनको रोजगार मुहैया कराया जाए, सारे लोग सरकारी योजनाओं से, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनसे ये खुश नहीं है। तो बहरहाल वर्तमान में सरकार को चाहिए, नज़दीकी जनप्रतिनिधि को चाहिए कि इन सभी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाए, क्योंकि इनकी रोजी रोटी का सवाल है, इनकी रोजी रोटी का सवाल है, इनका जो भरण पोषण है, इनके परिवार का भरण पोषण इनके मजदूरी पर निर्भर करता है। जब इनको काम नहीं मिलती है, इनकी दिहाड़ी नहीं मिलता है, तो इनके बच्चे उस रात भूखे सोते हैं। तो बहरहाल ये सारे लोग जो है काम की तलाश में आए हुए थे और सरकार को जल्द से जल्द इन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सलमान अनवर मौजूद है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।